बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कीमा आलू कटलेट्स बना रही हूँ। कबाब भी कह सकते हैं और कटलेट्स भी कह सकते हैं। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये बॉयल कीमा है। कीमा बॉयल करके, गोश्त को बॉयल करके फिर मैंने उसको पीस के और उसका बनाया है। ये बॉयल है क्योंकि बीफ होता है, बीफ ज़रा कबाब में मुश्किल से गलता है। अगर इसे डीप फ्राइड कबाब हो ना, इसे चपली कबाब वगैरह हैं तो उसमें तो हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे कबाब हों तो कीमा थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, कच्चा कच्चा सा मुझे महसूस होता है, इसलिए मैं नहीं डालती कच्चा कीमा। ये मैंने उबाला हुआ है। ये इसमें थोड़े से सॉसेजेज हैं। कल मैंने सॉसेजेस स्टफ्ड पोटैटोज बनाए थे, तो उसमें से ये सॉसेजेस भी बचे थे, एक बचा था, और ये सब्ज़ी मैंने उसमें स्टफिंग उसकी की थी, इसमें भी सॉसेजेज हैं, तो इसको भी मैं काम में ला रही हूँ। सब्ज़ी भी मैं साथ में डाल दूँगी। अभी मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की, मैं इंशाल्लाह आज रात को अल्लाह खैर करे तो मैं करूँगी। ये आलू है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है, और इसमें कुछ भी मैंने किसी चीज़ में भी नमक नहीं डाला सिवाय इसके, चूँकि स्टफिंग के लिए मैंने कल बनाया था, तो इसलिए इसको इसमें थोड़ा सा नमक है। ये आलू हैं और ये एक डबल रोटी का पीस है, ये मैं इसमें मिला लूँगी। ये पुदीना धनिया है, थोड़ा थोड़ा सा प्याज है, ओरिगानो है, और कुटा ज़ीरा है, और थोड़ी सी अदरक है। नमक मैं जब मैं इसको सबको मिक्स कर दूँगी, नमक मैं चख के डालूँगी। अगर आपके पास ओरिगानो नहीं है तो आप उसमें ये अजवाइन भी डाल सकते हैं। और ये अभी मैं इसमें ये, चूँकि ये कीमा थोड़ा सा नरम है, तो इसमें मैं ये मिला रही हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छी तरह धो लिए थे, और मेरे अंगूठी मैंने पहनी हुई थी, वो भी मैंने निकाल लिए। अब इसमें ये मिक्स हो गए हैं, ये डबल रोटी इसमें मिक्स हो गई है। इसमें मैं अभी ये आलू हैं, ये मैश किए हुए हैं, और ये वो वेजिटेबल जो है जो मैंने बची भी डाली है, इसमें भी वो अच्छे खासे सॉसेजेस पड़े हुए हैं। ये पुदीना धनिया और प्याज है। ये अदरक है, ओरिगानो और लाल वो है कुटा ज़ीरा है। मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली चूँकि मैंने ये पोटैटोज के लिए जो स्टफिंग बनाई थी उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर बच्चे खाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, मैं एक छोटी सी हरी मिर्च डालूँगी बारीक काट के। अभी मैं नमक चख रही हूँ, थोड़ा सा कम है बस। इसके मैं अभी कटलेट्स बनाऊंगी। ये कबाब में थोड़ा सा नमक कम है, मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर इसके कबाब बनाना, कटलेट्स या कबाब बनाना शुरू कर दूंगी। ये चावल का आटा है, ये हल्का सा नमक है, थोड़ा सा बिल्कुल, और ये कुटा हुआ धनिया है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके मैं कबाब बना के इसमें कोट करके प्लेट में रखती जा रही हूँ। आप इस स्टेज पे एक कबाब बना के और इस तरह से बगैर कोटिंग के आप तल लें थोड़ा हल्के से तेल में। अगर वो टूट रहे हैं क्योंकि पका हुआ कीमा है, पका हुआ वो है गोश्त या कीमा जो भी है वो पका हुआ था, तो अगर वो टूट रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम का एक पीस और डाल दें। मैंने चेक कर लिया है, मेरा नहीं टूटा,
आप ज़रूर चेक करें। और ये पके हुए कबाब ज़रा पतले नहीं होते, फिर वो टूट जाते हैं। इस तरह से मैं आप नमक मिर्च हर चीज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो वो बची हुई वेजिटेबल डाली है, सब्जी डाली है, आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। मटर गाजर तो मैंने डाली हुई, मटर भी मैंने डाली हुई है, ताज़ा डाल दें। अभी ज़रा सीज़न नहीं है, ताज़ा अभी है तो मिलती तो है, लेकिन ऐसी आम नहीं मिलती मटर। ठीक है, इस तरह से सारे कबाब बना के और मैं रख रही हूँ। ये कबाब बना के मैंने उसको वो चावल के आटे की कोटिंग की थी, चावल के आटे में मैंने हल्का सा नमक और वो डाला था कुटा हुआ धनिया, इसके थोड़े इसको थोड़े से तेल में फ्राई करना है, इसलिए कि ये सब कुछ पका हुआ है, खाली ऊपर से सिर्फ ऊपर से कलर लाना है। इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है। ये अब एक तरफ से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन गोल्डन से हो गए, दोनों तरफ से मैं थोड़ा सा इसको और कलर दे के और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। थोड़े अगर ज़्यादा बनाने हैं आपने तो थोड़े थोड़े करके डालें और दूर दूर करके, अदरवाइज ये फिर टूट जाते हैं। आप इस मैंने तो इसमें बची हुई सब्जी मेरे पास पकी हुई थी, वो मैंने मिलाई है। आप मटर गाजर बंद गोभी आलू तो वैसे भी मैश किए हुए थे अलग से, इसको भी आप काट के हल्का सा सोते करके डाल सकती हैं। टोमेटो सॉस उसमें तो मैंने टोमेटो सॉस डाली थी, क्योंकि मैंने कल स्टफ्ड आलू बनाए थे तो उससे वो बची हुई थी, तो आप बगैर उसके भी डाल सकते हैं। वो तो मेरे पास बची हुई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था। सब्जियां अगर डालें तो हल्का सा सोते करके डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बजाय इसके कि आप मैंने मैंने इसमें पका हुआ गोश्त डाला है, गोश्त डाल के उसको पीस लिया था पका के, आप इसमें बारीक बिल्कुल बारीक कच्चा कीमा भी डाल सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत गोल्डन हो गए हैं ये। अब मैंने आंच स्लो कर दी, चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है, दूसरा दूसरा साइड भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाए तो बस मैं अभी इसके डिश आउट करके मैं फिर आपको बताऊंगी। ये आलू कीमा कटलेट्स तैयार हो गए हैं, आलू और कीमे के कटलेट्स या कबाब कह दें। इसके साथ मैंने चावल बॉईल किए हैं और साथ में दाल पकाई है और साथ में मैंने अचार रखा है, आप ज़रूर बनाएं। ये सिंपल से खाने होते हैं, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे फायदे की चीज़ है, ये खाना है, हेल्दी खाना है ये, आप ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल जायका KPK कुकिंग एंड व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।